एक घर में एक महिला, घर में बूढ़ी सास, वो पढ़ी लिखी आई, थोड़ी ज्यादा ही फैशनेबल, थोड़ी ज्यादा ही अपने आप को खूबसूरत रखने वाली। बहुत ध्यान से सुनना घटना को। महिला आई, दो चार साल तो उसने बूढ़ी सास को निभाया, फिर वो देखती कि सासू माँ घर में बीच में बैठी रहती है, वही पुराने कपड़े, पुराने पलंग पर बैठी रहती है, उसकी सहेलियां आती है, थोड़ा घर में अच्छा नहीं दिख रहा था। अपने पति को उसने पता नहीं क्या समझाया, पहले तो पति ने कहा क्या बात करते हो, ऐसा कैसे संभव है, इम्पॉसिबल, ये संभव नहीं है, पर फिर भी उसने जैसे तैसे समझाया और अपनी बूढ़ी सास को घर के तलघर में बिठा दिया। घर के तलघर में बिठा दिया, घर के तलघर में बूढ़ी सास गई, एक मिट्टी की थाली रख दी गई, गुप्पा अंधेरा, छोटा सा एक जीरो वाल का बल्ब जल रहा था, बेटा अपने धंधे पानी में व्यस्त की, उसकी पत्नी सब संभाल रही है, माँ जी की व्यवस्था, दो रोटी नौकर नीचे ले जाता और बूढ़ी दादी जी मिट्टी की थाली में खा लेती, जिंदगी जी रही थी नरक की। एक दिन घर का बच्चा, दादी का पोता, महिला का बच्चा घर में गेंद से खेल रहा था, गेंद उछली हुई तलघर में गई, बच्चा गेंद लेने के लिए नीचे उतरा, माँ ने रोका, रुक रुक मैं लाती हूं, बच्चा सुना नहीं, नीचे उतर गया और नीचे गेंद लेने गया तो मध्यम रोशनी में उसने देखा उसकी दादी सा तलघर में बैठी है। वो तो देखकर चौंक पड़ा, ये क्या दृश्य है, मम्मी तो रोज कहती थी दादी सा तीर्थ यात्रा पे गई हुई है और आज दादी सा तलघर में बैठी है। वो नीचे आया तो देखा दादी सा के आंख में आंसू थे, उसने कहा दादी सा हम इतने अमीर हैं, इतने संपन्न हैं, हमारे घर में इतनी महंगी कारें हैं, आप ये आंख में आंसू क्यों हैं? कहने लगा बेटा तुम्हारी गेंद ने मेरी मिट्टी की थाली तोड़ दी, अरे कल तक तो मिट्टी की थाली में खाती थी, लगता है आने वाले कल को अब तो हाथ में ही खाना पड़ेगा, तेरी मम्मी का पता नहीं मिट्टी की थाली। और बच्चे ने वो मिट्टी की थाली उठाई, टूटी हुई मिट्टी की थाली, सड़ी हुई मिट्टी की थाली, कहा दादी माँ आप मिट्टी की थाली में खाते हो, अरे हमारे घर में तो चांदी के बर्तन, आप मिट्टी के? हाँ बेटा जो भाग्य में लिखा है ठीक है, पर तूने ये भी तोड़ दिए, चिंता मत करो दादी माँ, कल से आपके लिए चांदी की थाली आएगी। उसने वो मिट्टी की थाली के टुकड़े उठाए, ऊपर आया, आकर मम्मी से कहा मम्मी मम्मी जरा तुम्हारी अलमारी की चाबी देना, अलमारी की चाबी ली, अलमारी का भीतर का खण खोला और जहां पर मम्मी के गहने रखे हुए थे वे सड़े हुए टूटे हुए मिट्टी के थाली के टुकड़े। बच्चे ने उन्हीं गहनों के साथ रख, बच्चे ने उन्हें गहनों के साथ रख दिए, सड़े हुए मिट्टी के थाली के टुकड़े। शाम को मम्मी को किसी किटी पार्टी में जाना था, सज संवर कर तैयार हुई, गहने निकाल निकले, अलमारी में हाथ डाला और जैसे ही भीतर का दरवाजा खोला भभक आई, दुर्गंध आई, चौंक पड़ी, मेरे इसमें दुर्गंध कैसी, क्या कोई चूहा हुआ चला गया है। अंदर हाथ डाला तो गहनों के साथ सड़ी हुई मिट्टी के थाली के टुकड़े आ गए। ये मिट्टी की थाली के टुकड़े इसमें कैसे आए? अरे ये तो नीचे नीचे जिनसे सासू मास की थाली है, ये मेरे अलमारी में मेरे गहनों के साथ। याद करने लगी क्या हुआ, बच्चे को बुलाया, बुलाकर कहा तूने मुझसे चाबी मांगी थी सुबह, तूने मुझसे सुबह चाबी मांगी थी, तूने क्या किया? कहा कुछ नहीं मम्मी, कुछ नहीं किया। एक बात बता, ये मिट्टी के सड़ी हुई थाली के टुकड़े किसने रखे? कहा मम्मी मैंने रखे। तूने रखे? मम्मी ने एक चांटा मारा, सटा, बेवकूफ, तूने मेरी इस गहनों के साथ ये दादी सा की सड़ी हुई मिट्टी के थाली के टुकड़े ला कर रख दिए। चिल्ला पड़ी, चीख पड़ी। बच्ची ने कहा मम्मी चुप, चीखने चिल्लाने की बारी अब आपकी नहीं, आने वाले कल की है। मम्मी मैंने ये मिट्टी के थाली के टुकड़े आपकी अलमारी में इसलिए रखे कि मेरी दादी को तो बहुत अच्छी बहू मिली जिसने मिट्टी की थाली दी अपनी सास को, पर आपको शायद इतनी अच्छी बहू नहीं मिलेगी। सत्या कहता हूं मम्मी आपको इतनी अच्छी बहू नहीं मिलेगी, और जिस समय आपको अच्छी बहू न मिले, बुढ़ापे में आपकी थाली भी नसीब में न हो, तब इन मिट्टी के थाली के टुकड़ों में आप रोटी खा सके, मैंने इसलिए इस पर रखी है। और तब बहू की खुली आंख,